नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर जो अभी लेटेस्ट इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में। तो ये जो सारी वैकेंसीज निकली है ये है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर निकली है। टोटल आपको वैकेंसी दिखाई देगी, 608 वैकेंसी दी हुई है टोटल। इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, दे बताता हूँ आपको। अनारक्षित जो है उनके लिए है 245, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 164, अनुसूचित जाति के लिए है 127 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 12। इसी रूप से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सामान्य वर्ग है उनके लिए है 60 वैकेंसी टोटल है। वैकेंसीज का नाम है तकनीकी, जो कि टेक्नीशियन है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिशियन के लिए। इसके अंदर जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसके अंदर विज्ञप्ति पद के आवेदन की संख्या अगर अधिक होगी तो ऑनलाइन यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एक से अधिक पालियों के अंदर इसके अंदर करवाई जाएगी। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी होगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर साथ साथ में क्या दिया है, वेतन की बात करें तो वेतन आपको दे रखा है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आपको 27,200 न्यूनतम स्तर पर एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन के में लागू नियमानुसार देय होंगे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर दे रखा है। शैक्षणिक बात करें, अगर जो आपकी योग्यता है उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में नामांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्ष अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या फिर SCVT का होना चाहिए। आपकी ट्रेड कौन कौन सी मानी जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो विद्युत वितरण केंद्र है उनको भी इसके अंदर काउंट किया गया है। आयु की बात करें तो आयु दे रखी है इसके अंदर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आपकी आयु होगी। दिनांक कब गिना जाएगा, 1/1/2020 तक गिना जाएगा। छूट आपका जो दिया जाता है वो छूट दे रखी है इसके अंदर। आगे बात करें फीस की, तो इसके अंदर आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवास होना आवश्यक है, उनके लिए लगेगी 700 रुपये। अन्य जो समस्त श्रेणी है उनके लिए फीस है 1,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रखी है फीस। इसके अंदर पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा। इसके अंदर आगे जो आपको डिटेल दे रखी है मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। और अब हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके अंदर दिया हुआ है चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसकी अवधि आपकी 3 घंटे की होगी अवधि। तो इसके अंदर चर्चा करें तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान का होगा 20 नंबर का प्रश्न होंगे, 20 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी जो कि हाई स्कूल लेवल तक होगी वो होगी 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के हो जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी भी इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट रोल दिखाई दे रही है, अंग्रेजी का भी हाई स्कूल स्तर होगा और 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 ही नंबर के होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है तकनीकी विषय विज्ञान यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसके बारे में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 ही मार्क्स के होंगे। टोटल जो हमारे पास है 200 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता चला। उसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 35.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है द्वितीय भाग यानी कि आपको तकनीकी ज्ञान के अंदर, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, अपनी तैयारी को मजबूत कर ले और इस प्रक्रिया जो दे रखी है इस भर्ती के लिए आप अपनी तैयारी को शुरू कर दे। परीक्षा स्थान दे रखे हैं लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में की जाएगी, ठीक है, और इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन करें तो अगेंस्ट आपको ये दे रखा है www.uppcl.org पर जाओगे तो वहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो।
इसके अंदर आवेदन की जो डेट दे रखी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां दे रखी है 1/7/2020 से 22/7/2020 तक आपको भर सकते हो इसके अंदर फॉर्म। नेट बैंकिंग से आपकी फ़ीस आपको जमा करवानी तो वो होगी 1/7/2020 से 22/7/2020 तक आप फीस जमा करा सकते हो। आगे दे रखा है भारतीय चालान यानी कि ऑफलाइन आप फीस भरना चाहते हो तो वो आपको दे रखी है डेट 24/7 तक आप इसकी जमा करा सकते हो। परीक्षा की संभावित अवधि दे रखी है इसके अंदर अगस्त के अंदर, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है दिया गया आपको, तो जल्दी ही अपनी तैयारी शुरू कर दे। नॉर्मलाइजेशन का आपको मेथड दे रखा है, जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं वो आपको ये पता है, ठीक है। तो ये तो पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है UPPCL के अंदर जो वैकेंसी निकली है इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। और ये मत सोचे कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है कि पढ़ाई को बिल्कुल आप डील में नहीं लेना है, उनको मजबूत करना है पढ़ाई को, अपनी को लगातार अभी कंटिन्यू लगे रहना है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए या फिर डायरेक्ट आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो 8059358967 पे आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।